बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के विरुद्ध एक बड़ा नारी शक्ति मार्च निकाला जा रहा है और इसमें शिरकत करने के लिए जेएनयू की कुलपति शांति श्री भी पहुंची हैं। मैम, ये जो नारी शक्ति मार्च आज निकाला जा रहा है, इसका मकसद क्या है? नारी शक्ति भारत एक नारी सिविलाइजेशन संस्कृति है ना, जहाँ नारी का मान नहीं होता है वो एक संस्कृति ही नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ नारियों का आवाज़ लेके आए हैं। क्योंकि हम पहले भारत में क्या कहते हैं, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा और आचार्य देवो भवा। मैं एक मातृ हूँ, एक आचार्य हूँ, तो इसीलिए मैं मेरी आवाज़ देने के लिए आई हूँ। क्योंकि ऐसी घटना अल्पसंख्या लोग के विरुद्ध होना बहुत गलत है, और जो भी कर रहे हैं उनको शिक्षा मिलना चाहिए। क्या मांग है मैम आप लोगों, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इस मुद्दे पर? ये बंद करना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कॉन्शियंस उठना चाहिए, बिकॉज कोई भी इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरे और सब में बहुत लोग बोलते हैं। ये है बहुत बड़ा, पहली बार हम हिंदू बौद्धों और क्रिश्चियंस की लिए आवाज उठा रहे हैं। मैम, अभी कोलकाता में जिस तरह से एक डॉक्टर के साथ जो रेप और मर्डर की जो विभत्स घटना हुई है, इस घटना पे क्या कहेंगे आप? ये घटना बहुत निंदनीय है, किसी लड़की के ऊपर ऐसे गैंग रेप हुआ, ये और एक निर्भया का कांड है। उस गवर्नमेंट पे क्यों आज तक कुछ नहीं हुआ? एक ही आदमी का अरेस्ट हुआ, ये बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। पोस्टमार्टम बता रही है एक से ज्यादा लोग उस पे बलात्कार किया। आज तक 6 दिन तक, जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को नहीं दिया, क्या पुलिस का था सब एविडेंस क्लीन अप करने के लिए? क्यों इतना डर रहे हैं? क्या छुपाने के लिए क्या है? और नारी को बलात्कार करके आप दुर्गा का अपमान किया, जो दुर्गा का आप दुर्गा पूजा इतना बड़ा करते हैं, वो बंद करो पहले। बहुत धन्यवाद। कैमरन मस्तान के साथ सुमंत कुमार, TVN भारतवर्ष, दिल्ली।